नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के आरक्षक बेटे ने आत्मघाती कदम उठाते हुए खुद को गोली मारी है। उसने हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहाँ उसकी हालत गंभीर है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने मकान को लॉक कर जाँच की कार्यवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार करीब 12 बजे चांदमारी इलाके में हड़कंप मच गया, जब जुटमिल थाने में पदस्थ सनी मालाकार ने अपने मकान में खुद के राइफल से सीने पर गोली दाग आत्महत्या का प्रयास किया। गोली की आवाज सुनते ही इलाके में सनसनी मच गई। मोहल्ले में लोगों का हुजूम लग गया। आनंद फानन में पड़ोसियों ने खून से लथपथ आरक्षक को मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए तत्काल बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। बता दें कि वर्तमान में सनी की ड्यूटी एसपी बंगले में थी। आरक्षक के आत्मघाती कदम की सूचना पाते ही एसपी दिव्यांग पटेल मातहत अफसरों के साथ मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचे। चूंकि आरक्षक की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए उसे बेहतर उपचार हेतु बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें आरक्षक ने आत्मघाती कदम उठाने का कारण घरेलू कलह लिखा है। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने मकान को लॉक कर घटना की विवेचना शुरू कर दी है। आज दिनांक को रायगढ़ पुलिस में पदस्थ आरक्षक सन्नी मालाकार के द्वारा अपने इच्छुशुदा इंसास राइफल से अपने आप को एक गोली मार लिया है, जो उसके चेस्ट के ऊपर लगी है, जिसको अभी अस्पताल में यहाँ पे एडमिट कराया गया था। अभी उसके वाइटल्स नॉर्मल है और उसको अच्छा उपचार हेतु बिलासपुर रिफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पारिवारिक समस्या के कारण उसने अपने आप को गोली मारी है और आगे की विवेचना जारी है। सर, सुसाइड नोट भी मिला है इसमें? इसमें अभी घर को लॉक कर लिया गया है, आगे विवेचना करेंगे और जो भी हो उस प्रकार से कार्रवाई। क्या पोस्ट में सर आपने? ये कांस्टेबल पुलिस लाइन में आरक्षक के पोस्ट पर है, उन पुलिस परिवार से ही है। उनके पिताजी भी एसपी ऑफिस में पदस्थ है। अपने पुलिस के लाइन बंदूक शासकीय जो इश्यू सुधार है उसी से पूरी जांच।